प्यारे बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हनीकॉम जो हमारी टेक्स्ट बुक है 7th क्लास की, उसके इंग्लिश का पहला लेसन आपको करवाने जा रहा हूँ। पेज नंबर आप 7 निकाल लीजिए और उस लेसन का नाम है 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब यह राइटर जो है उस राइटर का नाम भी हमें पता होना चाहिए। राइटर का नाम है लियो टॉलस्टॉय। कौन है? लियो टॉलस्टॉय। क्योंकि हमें एग्जाम में जब पैसेज आती है तो पूछा जाता है हमसे कि इसके राइटर का नाम बताओ और लेसन का नाम बताओ, तो आप बता दोगे लेसन का नाम क्या है, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर आपसे राइटर का नाम पूछा जाएगा तो आप बता दोगे लियो टॉलस्टॉय इसका नाम है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब राइटर जो कह रहा है कि पढ़ने से पहले आप ये पढ़ लीजिए कि क्या है इसमें। अ किंग हैज 3 क्वेश्चन। इस लेसन के अंदर एक राजा के पास 3 क्वेश्चन है। He is seeking answer to them. वो उनके आंसर जानना चाहता है। What are the questions? वो क्वेश्चन कौन से हैं? Does the king get what he wants? क्या राजा जो चाहता था वो उसे पता लग गया? ये इसमें हम जानेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन कौन कौन से? एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है कि 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे, आओ पढ़ते हैं। ये जो टी कैपिटल में लिखा है थोड़ा स्टाइल के लिए होता है, तो ये है टी एच ही पढ़ेंगे, ही से नहीं स्टार्ट करेंगे, द पढ़ेंगे। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग। एक राजा के मन में एक विचार आया। थॉट है, थॉट मतलब विचार आना, कोई सोच आना उसके दिमाग में। दैट ही वुड नेवर फेल। वो कह रहा है कि वो कभी फेल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स। अगर उसे 3 चीजें पता लग जाती हैं बच्चों, तो वो कभी जीवन में फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर। वो 3 चीजें कौन सी थी? वॉट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। What is the right time to begin something का मतलब यह है कि वो क्या समय है जब हम किसी चीज को शुरुआत करनी चाहिए, किसी चीज को स्टार्ट करने का सही समय क्या होता है। Which people should he listen to? उन्हें किन लोगों की बात सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do? और उसके लिए कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज है करने के लिए। उसने अगर ये 3 चीजें पता लग जाएंगी तो जीवन में कभी फेल नहीं होगा। तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर। इसलिए राजा ने अब उन 3 क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता था, तो राजा ने अपने दूतों को भेज दिया। मैसेंजर मतलब क्या होता है? दूत होता है बच्चों। क्या होता है? दूत होता है। कहाँ भेज दिया? थ्रू आउट किंगडम, मतलब पूरे राज्य में भेज दिया। जैसे बच्चों हमारा भारत एक पूरा देश है ना, तो पूरे भारत में आप कहीं भी जा सकते हो। तो ऐसे राजा ने क्या करा, अपने मैसेंजर्स को भेज दिया पूरे अपने राज्य के अंदर, ऐसे किंगडम हुआ उसका। और उसने वादा किया, प्रोमिसिंग मतलब वादा करना, अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन। जो इसके आंसर दे देगा उसको वो बहुत ज्यादा पैसा देगा। क्या देगा? पैसा देगा, मनी देगा। ठीक है बच्चों, आगे सुनो। मैनी वाइस मैन, वाइस मतलब बुद्धिमान आदमी। जैसे कि आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, और आपको वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, तो आप भी बहुत बुद्धिमान हो क्योंकि आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हो। ठीक है, मैनी वाइस मैन केम टू द किंग। बहुत सारे बुद्धिमान आदमी आए, राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। अब राजा को सबने जो आंसर बोले अलग अलग बोले। क्या बोले? अलग अलग बोले। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जब पहले क्वेश्चन का जब आंसर दिया गया, पहले क्वेश्चन कौन सा था बच्चों? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, ये किसी चीज को शुरुआत कब की जाए, है ना, कौन सा सही समय है। तो जब पहले क्वेश्चन का आंसर राजा को मिला, तो सब जितने भी सारे बुद्धिमान आए थे उन सबने अलग अलग आंसर दिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर में क्या हुआ? सम सैड, कुछ लोगों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। उन्होंने बोला अगर आपको पता लगाना है कि कौन सी सही टाइम पर करनी चाहिए, आपको टाइम टेबल बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? टाइम टेबल। जैसे कि आप बनाते हो टाइम टेबल, कितने बजे क्या पढ़ना है ना, तो ऐसे ही बुद्धिमान ने बोला कि हाँ भाई ठीक है टाइम टेबल बना लो। देन फॉलो इट, तब उसको फॉलो करो, मानो भी। देखो अगर आपने टाइम टेबल बना लिया कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर फायदा नहीं। तो इसलिए बुद्धिमान लोगों ने कहा कि आप उसको फॉलो करो स्ट्रिक्टली, मतलब ये नहीं ढीला बनती आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, बिल्कुल सही तरीके से। क्योंकि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने जीवन में स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए। ठीक है, हमें भी बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इसलिए बुद्धिमानों ने अपने दिमाग से कह दिया स्ट्रिक्टली होना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर। तो बुद्धिमान बंदों ने जो निचोड़ निकला, उन्होंने बोला कि अगर आप टाइम टेबल बना लो, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, तो आप हर चीज प्रॉपर टाइम पे कर पाओगे। ये उन्होंने बोला, ठीक है, सही समय पर कर पाओगे। अदर साइड लेकिन कुछ ने क्या बोला? दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। उसने बोला कि अब फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, उसका राइट टाइम में क्या होगा, कैसे नहीं होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते ना आज। ठीक है, जैसे अचानक आपको किसी का इन्विटेशन आ गया, कार्ड आपने टाइम टेबल बना रखा था, ठीक है 2 घंटे पढ़ने का, रात को 9 बजे, और रात को 9 बजे आपको शादी पे जाना पड़ रहा है,
तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने बोला कि हम कैसे फिक्स कर लेंगे एडवांस में, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है ना। अनसर्टेन मतलब अच्छा होता है अनिश्चित होना, ठीक है, जिसके बारे में कंफर्मेशन ना हो। द किंग शुड नोटिस, शुड पढ़ेंगे से, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर। द किंग ने ये नोटिस करा, ठीक है, कि सब कुछ ऐसा चलता रहा, अवॉइड फुलिश प्लेजर। फिर कुछ लोगों ने कहा द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, कि राजा को हर चीज नोटिस कर लेनी चाहिए जो भी चल रहा है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो उसे नोटिस कर लो, बाद में क्या करोगे उसे नोटिस कर लो। अवॉइड फुलिश प्लेजर मतलब आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, फुलिश, ठीक है, कर रहा है आपको फुलिश मतलब होता है तथा मूर्ख बनाना, ठीक है, आपको ऐसे ही प्लेजर मतलब होता है आपकी बहुत ज्यादा खुशामद कर रहा है ना, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब उसे बचना चाहिए, ठीक है। तो राजा को हर चीज नोटिस कर लेनी चाहिए, किसी ने ये कहा। फिर आगे क्या कहा बच्चों, आगे बोला कि ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। इसने बोला कि हमेशा वो करो जो उस समय जरूरी लगता है। येट अदर साइड, लेकिन कुछ ने कहा दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल। कुछ ने बोला कि राजा को जो है काउंसिल की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चों? काउंसिल की जरूरत है। किसको है? काउंसिल की जरूरत है। एक मिनट मैं इसे ऊंचा कर दूं जरा ना, ठीक है। कुछ ने क्या कहा? काउंसिल की जरूरत है, वाइस मैन, ठीक है। यू अदर येट अदर सैड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन। कुछ ने बोला कि आपको जो बुद्धिमान आदमी है उसकी काउंसिलिंग करनी चाहिए, उनसे सलाह ले लीजिए हर बात। अगर आपको किसी चीज क्या करना है तो बार बार पूछो। हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम, ठीक है, एट द प्रॉपर, वो बता देंगे कि आपको उस प्रॉपर टाइम में क्या करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। उन्होंने पता है बुद्धिमान लोगों ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एक अकेला आदमी, ठीक है, वो डिसाइड कर ही नहीं सकता, ठीक है, एक अकेला आदमी। इसलिए आपको क्या बोलाना चाहिए? एक तरह से काउंसिलिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर। एक अकेला व्यक्ति दूसरों की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता, ये उन्होंने बोला। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ठीक है। बट देन अदर साइड, लेकिन फिर दूसरों ने क्या कहा? दैट देयर वर सम थिंग विच कुड बी अर्जेंट। ये कुछ लोगों ने कहा अरे ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज बहुत ज्यादा अर्जेंट हो, कुछ चीज बहुत ज्यादा अर्जेंट हो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हो। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर अ डिसीजन, क्योंकि अगर वो बहुत अर्जेंट है तो उसमें हम डिसीजन लेने का तो वेट नहीं कर सकते ना, उसमें काउंसिलिंग करोगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि एक बात बताओ, अचानक कभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई तो उस समय काउंसिलिंग करने आप कैसे जाओगे? काउंसिलिंग थोड़ी उस समय कर सकते हो। जैसे अचानक आपके सामने एक शेर आ गया और आपके ऊपर हमला करने वाला है तो आप क्या करोगे? अरे काउंसिलिंग करूँ पहले इसको मैं कैसे निपटू? नहीं ना, आपको उस समय खुद ही कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो कुछ ने बोला कि अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि राजा को फ्यूचर पहले से पता होना चाहिए। तो उन्होंने बोला इस समय तो सिर्फ मैजिशियन उसकी मदद कर सकता है। कौन कर सकता है? मैजिशियन कर सकता है, जादूगर उसकी मदद कर सकता है। मैजिशियन मतलब क्या होता है? जादूगर। देयरफॉर वुड, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। कुछ लोगों ने क्या बोल दिया? जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में सुन लो। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। उन्होंने तो बोला कि दूसरे को काउंसलर की जरूरत है। किसकी? काउंसलर की। अदर कुछ लोगों ने नहीं, पंडित की जरूरत है, एक तरह से प्रिस्ट की जरूरत है, ठीक है। और फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, को देखा नहीं, डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर बताएगा क्या करना चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, उन्होंने बोला कि सोल्जर जो सैनिक है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सैड साइंस, और थर्ड क्वेश्चन में जो पूछा था कि विच व्हाट इज द मोस्ट मोड थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सी मोड चीज है उसके करने के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सैड साइंस, अदर चोज फाइटिंग एंड यर अदर रिलीजियस वर्शिप, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी करने के लिए? किसने बोला साइंस, किसने बोला फाइटिंग, किसने बोला रिलीजियस वर्शिप करो, मतलब रिलीजियस मतलब धार्मिक पूजा करो, ठीक है, पूजा पाठ इबादत जो आप करते हैं वो करो, ठीक है। As the answer to his question was so different, क्योंकि आंसर सबके अलग अलग थे। The king was not satisfied and gave no reward, राजा किसी से खुश नहीं हुआ, उसने किसी को रिवार्ड मतलब होता है इनाम देना, क्या होता है इनाम देना, उसने किसी को इनाम नहीं दिया। Instead he decided to seek the advice of a certain hermit, तो उसने क्या करा? He decided to seek the advice of a certain hermit, मतलब होता है साधु। ये लिखा hermit, a person who lives alone and leads a simple life, जो बिल्कुल सादा जीवन जीता है उसको बोला जाता है hermit, एक तरह से साधु, ठीक है, जो सिंपल लाइफ जीता है। Who was widely known for his wisdom, ठीक है, जो अच्छे से क्या बता सकता है, उसकी wisdom के बारे में बता सकता है।
ठीक है, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, ठीक है, नहीं ये यहां बोला है कि जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना चाहता है वो उस हर्मिट के पास जाना चाहता है, ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, एक हर्मिट था ठीक है, वो जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसने उस जंगल को कभी नहीं छोड़ा, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, और जो हर्मिट है वो पता किन लोगों से मिलता था, जो सिंपल लोग होते थे, वो उसे राजा महाराज से मिलना पसंद भी नहीं था, सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसे राजा को भी क्या करना पड़ा, आम कपड़े पहनने पड़े, बिफोर ही रीच द हर्मिट हर्ड, और देखो बिफोर ही रीच द हर्मिट हर्ड द किंग लेफ्ट हिज होर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, मतलब उसके घर में जाने से पहले भी जाने से पहले राजा ने अपने घोड़ों को अपने घोड़ों और बॉडीगार्ड को जो है वो वहीं छोड़ दिया, ठीक है, तब उसके पास गया, क्योंकि जो हर्मिट था जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, जो हर्मिट था वो क्या कर रहा था, सिर्फ सिंपल बंदों से मिलता था, किससे मिलता था, सिर्फ सिंपल बंदों से मिलता था, ठीक है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जब राजा जो है वो हर्मिट की हट मतलब झोपड़ी के पास में आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, ये हर्मिट जो है देखो आप, ये जो हर्मिट है वो गड्ढा खोद रहा है, क्या खोद रहा है, गड्ढा खोद रहा है द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, वो अपने अपने झोपड़ी के आगे क्या कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग, उन्हें राजा का सम्मान किया, ग्रीट मतलब सम्मान करना, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और उसके बाद गड्ढा खोदने लग गया, द हर्मिट वॉज ओल्ड, हर्मिट बूढ़ा था, देखो आप पिक्चर में हर्मिट जो है वो बूढ़ा है, ठीक है, हर्मिट द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, एंड एज ही वर्क्ड ही ब्रीथ्ड हैवली, और जब वो काम कर रहा था तो उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी बच्चों, हैवली मतलब बहुत तेजी से, ठीक है, यहाँ भारी मत लिख देना, ठीक है, हर जगह कुछ बढ़ के मिनी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, जब राजा जो है वो हर्मिट के पास गया, उसने कहा आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइस हर्मिट ओ बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन, मैं तुमसे तीन क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता हूँ, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट अ राइट टाइम, ठीक है, मैं कैसे सीख सकता हूँ राइट थिंग, सही चीज सही समय पर, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वो कौन लोग हैं जिन लोगों की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड वट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सा काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए, देखो ये क्वेश्चन आप वो वाले लिख दो या ये वाले लिख दो, आपकी मर्जी, आपको ये सब क्वेश्चन याद होने चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, सुन रहे, उस साधुओं ने उसकी आवाज सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, कुछ भी नहीं बोला, ही वेंट ऑन डिगिंग, वो गड्ढा खोदता रहा, यू आर टायर्ड सैड द किंग, राजा ने बोला अरे तुम थक गए होगे, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, अरे ठीक है मुझे ये स्पेड दो और मैं मुझे अपनी जगह काम करने दो, थैंक्स सैड द हर्मिट, हर्मिट ने उसे थैंक्स बोला, एंड गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने उसे स्पेड दे दिया, एंड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर बैठ गया, ग्राउंड पर बैठ गया, ठीक है बच्चों। When the king had dug two beds, जब उसने क्या करा, दो beds खोद दिए, दो गड्ढे खोद दिए, he stopped and repeated his question, दोबारा से अपना क्वेश्चन पूछा, the hermit gave no answer, hermit ने उसे आंसर नहीं दिया, देखो यहाँ beds का मतलब लिखो small patches of the ground for plants, ठीक है, मतलब हल्के हल्के गड्ढे से बना लेना, ठीक है, जिसमें पौधों को लगाया जाएगा इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि नो आंसर बट स्टूड अप, उसके आंसर नहीं दिया, वो बैठ गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सैड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, उन्होंने बोला आप मुझे स्पेड दो और अब तुम आराम करो और मैं काम करूंगा, किसने कहा, हर्मिट ने कहा, बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन उस राजा ने उसको स्पेड नहीं दिया, एंड कंटिन्यू टू डिग, और गड्ढा खोदता रहा। वन आवर पास, एक घंटा बीत गया, देन अनदर द सन वेंट डाउन, उसके बाद शाम हो गई, बिहाइंड द ट्रीज, ठीक है, ये मतलब यहाँ लिखने का मतलब यहाँ कि जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे छिप गया, एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इन टू द ग्राउंड एंड सैड, फिर उसने उस किंग ने क्या करा, उस स्पैड को रख दिया, स्टक कर दिया, एंड उसके बाद बोला आई केम टू यू वाइस मैन, मैं तुम्हारे पास आया था फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मुझे तीन क्वेश्चन के आंसर जानने थे, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते तो टेल मी सो, तो मुझे बोल दो, आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊंगा, हियर कम्स समवन रनिंग सैड द हर्मिट, उसने बोला अरे देखो यहाँ कोई आ रहा है, हर्मिट ने बोला,
ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। अब मैं इसका जो दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ताकि आप इसको पहले अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, और एक एक जो इसका वर्ड मीनिंग है अच्छे से क्लियर कर लो, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके आंसर अपने आप देखना कि आप बता पाओगे नहीं बता पाओगे, ठीक है। और ये अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, और आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।